नमस्कार दोस्तों, एनके मॉनिटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हरेक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चाणक्य नीति शास्त्र में मनुष्य के कल्याण के लिए कई सारे सूत्र दिए गए हैं। इन्हीं सूत्रों में चाणक्य ने स्त्रियों के लिए तीन चीजों को सबसे खतरनाक माना है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जिस घर में गुणवान स्त्री होती है वो घर स्वर्ग के समान होता है। आइए जानते हैं चाणक्य के अनुसार किन तीन चीजों से स्त्रियों को हमेशा दूर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। नंबर एक, अहंकार। दोस्तों, अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। चाणक्य के अनुसार स्त्री को अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार से स्त्री के घर से सुख समृद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसके घर से लक्ष्मी और माता सरस्वती रूठ जाती हैं। इसीलिए दोस्तों चाणक्य ने अहंकार को स्त्रियों के लिए बहुत खतरनाक बताया है। नंबर दो, अज्ञानता। दोस्तों, अज्ञानता स्त्री के लिए अच्छी नहीं होती। चाणक्य के अनुसार स्त्री को ज्ञानवान होना बेहद जरूरी है क्योंकि समाज निर्माण में स्त्रियों की भूमिका सबसे अहम होती है। शिक्षित और ज्ञान से पूर्ण स्त्रियां ही समाज को नई दिशा प्रदान करती हैं। वो इन गुणों से घर को स्वर्ग बनाती हैं, जबकि स्त्री की अज्ञानता से सभ्य समाज की कल्पना करना भी असंभव होता है। नंबर तीन, लालच। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार स्त्री को लालच से दूर रहना चाहिए। ये अवगुण स्त्री के परिवार को नष्ट कर देता है। चाणक्य के अनुसार जब स्त्री लालच करने लगती है तो वो घर की सुख शांति को नष्ट करने लगती है। लालच के कारण परिवार में ग्रह क्लेश देखने को मिलता है। कैकेयी को भी पुत्र मोह का लालच हुआ था जिसके कारण पूरे अयोध्या में अशांति का वातावरण छा गया था। इसलिए दोस्तों स्त्रियों को इन तीन चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं स्त्री का कौन सा एक अंग पकड़ने से सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है, या यूं कहें कि भिखारी भी राजा बन जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। देवी का दर्जा प्राप्त महिला जिसके सम्मान की बात हमेशा समाज के लोगों के द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है, अगर आप स्त्रियों के शरीर के इस एक खास अंग को छूते हो तो आपको महापुण्य मिलता है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए बताते हैं स्त्री के किस अंग को छूने से किसी भी व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग सकती है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में स्त्रियां उसके साथ कई स्वरूप में रहा करती हैं। एक स्त्री ही किसी व्यक्ति की माँ होती है तो किसी की बहन और किसी की बहू होती है। अलग अलग रूप में स्त्रियां व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने का काम करती हैं। स्त्रियों के बगैर पुरुषों का इस धरती पर अस्तित्व तो भी संभव नहीं है। दोस्तों, एक स्त्री पुरुष की हर एक खुशी और दुख में उसका साथ निभाती है। इसके साथ ही एक स्त्री को उसके जीवन में बहुत सारे दर्द भी सहने पड़ते हैं। जीवन में आने वाले हर एक दर्द को आराम से सह लेने वाली एक स्त्री विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी हंसी खुशी झेल लेती है। दोस्तों, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखने वाली लड़कियां अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने का काम करती हैं। इसके अलावा एक स्त्री अपने वंश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। एक साथ कई कार्यों को करने वाली स्त्रियां जिनके पैरों में बहुत बड़ा राज छिपा होता है। ऐसा कहा जाता है, स्त्रियों के पैर छूने से
व्यक्ति को अपने सारे जन्मों का पुण्य भी मिल जाता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाबी बहुत आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, सुबह सुबह स्त्रियों के पैर छूने से मिलने वाले आशीर्वाद की वजह से व्यक्ति के जीवन से निराशा का अंत होता है और उसके कारण व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और ऐसे व्यक्तियों से हमेशा देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशियां आती रहती हैं और सफलता ऐसे लोगों के कदम चूमती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।